हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान तिलक स्कूल और ये है चैप्टर 5 क्लास 6 चैप्टर 5 सब्जेक्ट मैथ और फ्रैक्शन का 5C यानी तीसरा पार्ट है। और तो इस तरीके से यहाँ पे देखो लाइक फ्रैक्शन के प्लस के बारे में बताया गया है, क्या होता है लाइक फ्रैक्शन का प्लस, तो कैसे ऐड करते हैं इनको दोनों को। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या 1/5 है प्लस 1/5 है, 1/5 प्लस 2/5 है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 1/, तो जहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होता है वहाँ पे जो इसके डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा वही रहता है और जो इसके न्यूमरेटर होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 + 1 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा और 5 वैसा का वैसा रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/9। तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन के दिए हुए हैं, तो इसमें कहीं पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले जो भी नंबर हैं उनको आपस में जोड़ या घटा देना है। तो हमको इस तरीके से यहाँ पे एक नंबर है ये फोर्थ वाला, इसको मैं कर दे रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, फोर्थ नहीं सॉरी सेवेंथ है ये, सेवेंथ। तो ये क्या है 1 - 1 9/10। तो देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे अगर इस तरीके से एक होल नंबर दिया हो और माइनस करके फ्रैक्शन में नंबर्स दिए होंगे, तो हमेशा इसका इस नंबर का इस नंबर के साथ यानी कि इस 10 का इस 1 के साथ क्या होगा 10 × 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं इसको कि यहाँ से क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, वो ये 10 हो जाएगा, तो 10 - 9 हो जाएगा 9 upon 10 तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1/10। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1/10 हो जाएगी। और दूसरे में अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं, तो इसमें भी लाइक फ्रैक्शन के ही हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये 5 2 होल में 1/5 + 1 होल में 3/5 और ये फिर ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे लाइक फ्रैक्शन बनेंगे। और यहाँ पे क्या किस में दिया हुआ है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये दूसरा वाले का अगर हम एक सवाल करें तो ये हो जाएगा 2 होल में 1/5 प्लस, ये दूसरे वाले का सवाल है, तो ये यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल में 1/5, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11/5 और प्लस करके अब इस 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 और उसमें 5 में 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 + 3 यानी कि 8/5 हो जाएगा। और अब इसके जो न्यूमरेटर है उनको दोनों को जोड़ देना है आपस में, तो 11 में 8 जोड़ देंगे तो ये 19 हो जाएगा और 19/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 19/5 हो जाएगा। और फिर है अगला तीसरा नंबर सवाल देखिए, तो तीसरे वाले में क्या है देखिए यहाँ पे देखो क्या है 1/7 है, 1/7 + 3/14 और क्या है 2। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/7 है 3/14 है दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम दोनों को लेंगे यानी कि 7 और 14 दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और जब 14 जो एलसीएम हो जाएगा तो अब यहाँ इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को इस 7 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे क्या है 14, और 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 यानी 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और ये यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। तो ये 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया ये 5 आ गया, और ये क्या आ गया ये 14 आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से अब जितने भी हैं सारे वैसे ही के वैसे हैं, सिर्फ इनको प्रैक्टिस करना है, घर पे करना है। हाँ कहो तो एक तो ये वाला बता देते हैं, माइनस वाला, माइनस वाले कैसे करेंगे। ठीक है, तो माइनस वाला देखेंगे ये, तो जहाँ पे प्लस करना था वहाँ पे कर देना है माइनस, जहाँ पे प्लस करना था उसको माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करना उसको। तो देखते हैं, तो अगला सवाल क्या था, 8 होल में है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 होल में है, 5/6 है, फिर माइनस करके है 2 होल में 3/4। तो अगर अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6/8 जा कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसको प्लस कर देंगे तो 6 × 8 = 48 और प्लस 5 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ और प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और वो हो जाएगा इसमें प्लस कर देंगे 3। तो इस तरीके से, और इसके अपान में क्या हो जाएगा 4। तो अगर हम यहाँ देखें तो 48 में 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 53, 53 अपान 6 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 8 प्लस 3 यानी कि 11 अपान 4 हो जाएगा। अब इनका दोनों को नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर इनको बोलते हैं इनका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 12 को जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 159, और माइनस में क्या हो जाएगा इस 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इससे जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ से आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई इस 11 में कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33। तो 33 जब इससे माइनस कर देंगे तो 33 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 1/12। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। आगे है फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर में भी वैसे ही जोड़ना है जैसे कि इस वाले को जोड़ा गया था, वैसे ही फिफ्थ नंबर वाले को भी जोड़ लेना है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे ये विच, अब इसमें कह रहा ये सेवेंथ नंबर, अगर क्वेश्चन हम देखें तो सेवेंथ नंबर में कह रहा है कि विच इज़ ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, यानी कह रहा कौन ज़्यादा है और कितने से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। तो यहाँ पे है 5 होल में 2/3 और कामा 3 होल में 3/4। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई और प्लस 2 कर देंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 करेंगे तो 17 अपॉन 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे
अब हमको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस कर देंगे 3। तो इस तरीके से ये 4 3 12 हो जाएगा, और 3 प्लस कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। अब इसको हमको ऐड, ये देखना है कौन बड़ा है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 को डिवाइड करेंगे जब 3 से तो ये आ जाएगा 4। अब 17 4 जा हो जाता है 68, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसको तो ये हो जाएगा 68, और ये हो जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आएगा आ जाएगा 3, और इसी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में तो ये हो जाएगा 45, 15 3 45। तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो 68 है वो क्या है, ग्रेटर है, 45 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन ग्रेटर है। अब इसकी इसका फ्रैक्शन क्या था, ये था, तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर तो वो कौन सा हो जाएगा, 5 होल में 2 बाई 3, 2/3, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से वैसे ही है सारे के सारे, इसमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही जोड़ देना है, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और कौन बताने लायक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो इसमें और तो सभी सही हैं। विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टू गेट 28, 2 होल में 11/12, 2 होल में 11/18। तो कह रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जहाँ पे ऐसे नंबर आ जाए, अब जब पूछ ले कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो कह रहा कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करें, किसको किस से माइनस कर दें। अब जैसे अगर हम ऐसे कॉमन सवाल पूछ लिया जाए कि 6 में से क्या माइनस किया जाए कि 3 आ जाए, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो वैसे हमको पता है कि क्या लाना है, 3 लाना है, किससे लाना है, 6 से लाना है, तो 6 से 3 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि इससे क्या टू गेट, यानी कि 5 सही या 5 होल में 1/6 से क्या माइनस कर देंगे कि 2 होल में और ये 2/11 आ जाए, 11/18 आ जाएगा। तो हमको इसमें सीधे सीधे माइनस कर देना है, यानी कि सबसे पहले क्या है 5/16। अब माइनस क्या करना है, इसी नंबर को माइनस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जिसके माइनस करने से ये वाला नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/11/18। तो इस तरीके से हम इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 5/6 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और +1 हो जाएगा और ÷6 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ भी हो जाएगा 18 2 36, 36 में 11 प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा, 47 और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या था 6 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 18 ही हो जाएगा, तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या ये हो जाएगा टोटल 31 और ये हो जाएगा कितना 47। तो अगर यहाँ 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का इस 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 93 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ से 18 बन जाए 18, यानी कि 47 यहाँ पे माइनस होगा। तो इस तरीके से 93 माइनस 47, यानी 13 में से 7 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 9 यहाँ ये 8 बच जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इस तरीके से 46/18 हो गया।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि ये वो नंबर है जिसको अगर हम इस वाले नंबर से इस नंबर से क्या करें घटा दें तो हमको ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर आगे का करा कि विच एक्सप्रेशन डज नॉट हैव अ सम ऑफ 6। यहाँ पे वो एम सी क्यू है तो जोड़ के लिख देना है कौन करेक्ट है कौन नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना है कि विच एक्सप्रेशन डज नॉट हैव अ सम ऑफ जे 6 होल में 3/10। तो कह रहा है कि इसका जोड़ इतना नहीं आ रहा है 1/10, यानी 6 होल में 3/10 किसका जोड़ नहीं आ रहा है। तो इनको सबको जोड़ के चेक कर लेंगे, तो इसमें चेक ही करना है और कुछ नहीं करना है। और फिर है 11, व्हाट फ्रैक्शन शुड बी फिल्ड ब्लैंक सर्किल गिवेन एडजेसेंट सो दैट द सम ऑफ फ्रैक्शन ऑन ईच साइड द ट्रायंगल इज सेम। तो कह रहा है कि हर तरीके से ट्रायंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन भरेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 6/13 है, यहाँ पे 1/13 है, यहाँ 4/13 है, और यहाँ 2/13, यहाँ पे 5/13 है। तो 2/13, तो इसी तरीके से हो जाएगा। इसको एक दूसरे से माइनस करके हम चेक कर लेंगे, तो जिसमें ये फिट बैठेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 5C हो गया, और इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो